तो आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और एग्ज़ाम्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप अगर ST देना चाहें तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ST परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप हमारा ये जो कोड है जो लिखा हुआ है MathsBT, इसका यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपके 250 की ST होगी तो उससे 40% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और ST भी वहाँ पे बेटर हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे कई ST जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, तो वो भी वहाँ पर आप पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम बोले तो मैथ में। बच्चों, आज की क्लास रागा का पार्ट नंबर सेकंड है, जिसमें आज हम लोग रागा के मॉडल नंबर सेकंड के कुछ क्वेश्चंस लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर बच्चों, इस बार जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं वो पिछले वाले जो वीडियो हम लोगों ने रागा का मॉडल नंबर वन देखा था उससे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने केवल तीन ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, मैथ्स से, रीजनिंग से और GS से। लेकिन आज के इस पार्ट में हम लोगों ने इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर रखे हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर है और ये इंग्लिश से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप ये कॉमन एरर से है, आपको देखना है कि ये जो इसका A, B, C एंड D में से कौन सा पार्ट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, सोच भी लिया होगा। अगर हम अपना आंसर बताएं तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आएगा वो इसका जो तीसरा पार्ट है, सी पार्ट है, वो जो है, जो तीसरा पार्ट है वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरे पार्ट में अगर आप देखते हो यहाँ पर कि वट डज नॉट नो टू स्टॉप इट, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसका जो तीसरा पार्ट जो है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा नो के बाद यहाँ पर जो है हाउ का यूज होता है, यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इसका सी पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है वो इसका यहाँ पर रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सी पार्ट यहाँ पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है आई हैव टू यूजली रीच द ऑफिस बाय 9:30 AM, नो एरर। अब बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो इसका रॉन्ग है। जल्दी से आप आंसर निकाल लीजिए, देखिए कौन सा पार्ट इसका गलत है। आई हैव टू यूजली रीच द ऑफिस बाय 9:30, आपने आंसर निकाल दिया होगा। टाइम बहुत ही, केवल 10 सेकंड का टाइम आपको हर क्वेश्चन पर मिलेगा। मैथ के क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम देंगे, 20 सेकंड का टाइम देंगे, 20 सेकंड बाद क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो इस समय है इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। इसमें कोई भी पार्ट जो है वो रॉन्ग नहीं है, इसका आंसर डी है और ये यहाँ पर नो एरर है। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत नहीं दी गई, सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिस रूम वुड लुक मच बेटर इफ़ यू पुट अ फर्नीचर इन द कॉर्नर, नो एरर। चलिए बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट जो है वो गलत है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आंसर आपने निकाल लिया होगा बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जो गलत है वो बी पार्ट गलत। देखिए यहां पे इफ यू पुट आप फर्नीचर नहीं होता, यहाँ पर आपको इफ यू पुट फर्नीचर जो दिया गया है उस जगह पर लिखना होगा यूज अ पीस ऑफ फर्नीचर। यहाँ पर आपको अ पीस ऑफ फर्नीचर यूज करना पड़ेगा, ना कि पुट अ फर्नीचर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो है वो बी पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट जो है वो यहाँ पर रॉन्ग था। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो इनमें जो ब्लैंक दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उस जगह पर कौन सा वर्ड जो है वो जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा A, B, C और D में से। जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बच्चे जल्दी से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से आप ट्राई कर सकते हैं और बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए टाइम इज ओवर, आंसर जो होगा वो इसका डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थ्रो बॉन्स ए वेल नो आर्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज इन चाइना, इट वॉज
बैंक ब्लैंक है बाय द जापानीज। देखिए जल्दी से यहाँ पर बताना है। देखिए आंसर इसका है बी, बी ऑप्शन इसका राइट है, परफेक्टेड। परफेक्टेड जो है वो इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, ही डिड नॉट रजिस्टर हिज, इसके बाद ब्लैंक है टू द पर्सनल प्रपोजनल से। ठीक है, तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी आंसर सही है, डी आई डबल एस ई एन टी, डिसेंट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, वहां पर डिसेंट होगा। डिसेंट को हिंदी में हम लोग असहमति कहते हैं, असहमति जब होती है लोगों के बीच में तो वहां पर असहमति वर्ड का यूज होता है, वहां पर डिसेंट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर है, मैनी यंग आर्टिस्ट वर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। चलिए इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन है और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है ड्रॉपिंग नेम्स जो अंडरलाइन है उसका कौन सा सबसे सही जो होगा उसके बारे में बताएगा। ठीक है, जल्दी से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सलिए आंसर टाइम कंप्लीट हो चुका है, आंसर जो इसका बनेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, टू मेंशन फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर है, द कंपनी हैज इनटू रन इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट्स। जल्दी से आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम इज ओवर, आंसर जो है इसका है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और बच्चों जो हम टाइमिंग ओवर बोल रहे हैं ये हम एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत ही बोल रहे हैं, हम उसी टाइप से ही आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मर्डर ऑफ अ किंग, तुरंत आ गया होगा। देखिए बच्चे जो क्वेश्चन हमें आते हैं ना, जो क्वेश्चन हमको आते हैं उनको में हमारे लिए 10 सेकेंड भी बहुत होते हैं, लेकिन हम आपको 10 सेकेंड दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है तो ये समझ लीजिए कि अभी आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने आंसर इसका तुरंत निकाल लिया होगा, तो उनका 1 सेकंड में आंसर आ गया होगा, और 1 सेकंड में आंसर इसका मतलब यह है कि उनको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता था। देखिए मर्डर ऑफ अ किंग, रेजिसाइड बोलते हैं क्योंकि किंग को राजा भी कहते हैं, और वहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, आंसर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर ए कस। अब देखिए ये भी आंसर आपने तुरंत निकाल लिया होगा, तुरंत आंसर निकाल लिया होगा, आंसर जो है इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनके आंसर निकालने में हमको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती और टाइम अंतर्गत निकाल लेते, लेकिन जो क्वेश्चंस के में हम लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है और या फिर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर आपको टाइम कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। हम आपके सामने इसी प्रकार से मॉडल पेपर लाते रहेंगे और इस मॉडल पेपर में आने वाले ये क्वेश्चंस आपके अगले आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th आपके स्क्रीन पर है, मेंबर्स ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स। देखिए इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा, आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो वर्ड दिया गया इसके लिए ए बी सी डी में से कौन सा वर्ड जो है वो उसकी मीनिंग को अच्छे से बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करता है। जल्दी से वर्ड है ई एक्स ए सी टी आई ओ एन, इसके लिए आपको बताना है कि इसका साइनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, इसका साइनोनिम्स क्या होगा, अगर आपको आता होगा तो आपने आंसर तुरंत निकाल लिया होगा। इसका आंसर है डिमांड, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बी 13वां नंबर क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, यहाँ पर भी सेम आपको साइनोनिम्स ही बताना है कि इसका साइनोनिम्स क्या होगा, बी आर ए डब्ल्यू आर ए आई टी एच। दिलित बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलिए इसका मतलब होता है घोष्ट, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो बच्चों आपके सामने 13 क्वेश्चन हमने रखने की कोशिश की है, टोटल जो हैं क्वेश्चंस जो हैं वो 13 रखने की कोशिश की हैं आज के पास इस मॉडल पेपर में इंग्लिश के, अभी अगले सब्जेक्ट्स के बाकी रह गए हैं क्वेश्चन, इसमें हमने पैसेज के क्वेश्चन नहीं जोड़े हैं, तो पैसेज के लिए हम लोग अलग से पढ़ाएंगे आपको पैसेज, जिसमें आपको डायरेक्ट केवल पैसेज ही पढ़ाया जाएगा और 2-3 पैसेज हर एक वीडियो में कराए जाएंगे, जिससे कि आपको पैसेज का अच्छे से अच्छा नॉलेज
हो जाए और आप क्वेश्चंस को आसानी से वहां पर पैसेज को समझकर कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि मैथ्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन को जिस तरीके से लता एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचती है, यदि वह उसे दोगुने दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसके लिए आपको 20 सेकेंड का समय मिलेगा, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ, टाइम ओवर हो चुका है। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है लता एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचती है। अगर मान लीजिए 10% लाभ पर बेचती है तो हमने माना ये कि उसने उस घड़ी को 100 रुपये में खरीदा था। अगर उसने 100 रुपये में उसको खरीदा था, ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, CP जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसने 100 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में लाभ पर बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो वो उसे 110 रुपये में बेचती है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करती है, आगे क्या बोला गया है, यदि उसे दोगुने दाम पर बेचे, मतलब 110 का दुगना कर देते हैं तो 110 का बच्चों दुगना कितना हो जाएगा, 220 रुपये में। अब वो 220 रुपये में सोचने का बोल रही है तो कहता है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो 220 रुपये में बेचेगी तो बच्चों ये जो प्रॉफिट, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो अगर 100 रुपये में खरीदी और 220 में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 120 रुपये का लाभ हुआ। इसके बाद नीचे हम लोगों को 100 रखना पड़ेगा, इनटू में 100 रखते हैं, 100 से 100 बच्चों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 120। तो आंसर बनेगा कितना, 120%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन खाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए इसे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके साथ समय है 20 सेकंड का, 20 सेकंड में आप आंसर जल्दी से निकालिए इसका। चलिए टाइम इज ओवर, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना का तरीका आप लोगों ने सीखा होगा, बहुत बार आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सर करने कराए हैं आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये दिया गया है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है, अंडर रूट के अंदर हम लोगों को रूट टू प्लस, फिर इसके बाद अगेन अंडर रूट दिया गया है टू प्लस, के बाद फिर से एक बार अंडर रूट टू दिया गया। तो इस पूरे को हम लोग एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो बच्चे का यहाँ पर अंडर रूट के अंदर रूट टू और प्लस का रूट टू, ठीक है। देखिए बच्चों, ये पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है, इसको हम लोग पहले ही एक्स सेलेक्ट कर चुके थे, तो यहाँ पर हम लोग उस जगह पर एक्स लिख सकते हैं। तो 2 + x हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, x² - x - 2 = 0 के। अब इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, ओके। तो इसके अगर हम लोग यहाँ पर फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो फैक्टर बनेगा x² - 2x और प्लस का एक्स माइनस का 2 = 0 के। दोनों में से पहले वाले में से एक्स कॉमन है तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन है तो यहाँ पर भी एक्स माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा एक्स माइनस 2 और यहाँ पर बनेगा एक्स प्लस 1 इक्वल के 0 के, ठीक है। ये बराबर में 0 चल रहा था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग करेंगे तो एक बार आ जाएगा एक्स बराबर 2 और एक बार आ जाएगा एक्स बराबर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर देखा जाए तो अगर दो ऑप्शन में दिया गया है तो 2 सही हो जाएगा, और माइनस 1 दिया जाता तो फिर माइनस 1 भी सही हो सकता था। आंसर यहां पर 2 दिया गया है, मतलब बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो आंसर हम लोगों का बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, टाइम है आपके पास फिर से 20 सेकंड का, आप कोशिश कर सकते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा। चलिए टाइम इज ओवर, चलते हैं करने के लिए क्वेश्चन को। देखो करना कैसे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2x है यहाँ पर 2x और प्लस का 4 इक्वल 8 की पावर x।
देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2x + 4 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो ये 8 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और उसमें ऊपर पावर x था तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब यहाँ पर आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर जो इनकी घात हैं, जो इनकी पावर्स हैं, इनको कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x + 4 = 3x, ठीक है। इस 2x को इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है, x की पावर x, तो x की पावर x मतलब 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है, और इनका सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 256, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। तो आंसर बनेगा इसका आंसर नंबर डी, क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइम इज स्टार्टिंग नाउ, आप जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करिए। चलिए टाइम इज ओवर, करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, ये एक साधारण व्यास से संबंधित है, यहाँ पर हम लोगों को दर दी गई है जिसको हम लोग स्मॉल आर कहते हैं, जो कि 9% है। इसके बाद हम लोगों को दिया गया है टाइम, जिसको हम लोग स्मॉल टी भी कहते हैं, जिसमें जो कि है 6 माह, ठीक है। आगे आप पढ़ सकते हैं, आगे हम लोगों को एस आई दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, जो कि हम लोगों को 270 रुपये दिया गया है। हमें निकालना क्या है, मूलधन, ठीक है। तो मूलधन निकालने के हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एस आई बराबर पी आर टी बटे हंड्रेड, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एस आई की वैल्यू कितनी है, 270 है, 270 है, यहाँ लिख देते हैं। पी की वैल्यू फाइंड करनी है। आर कितना दिया गया है, आर हम लोगों को 9 दिया गया है। टाइम कितना दिया गया, 6/100, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए कट करना स्टार्ट करते हैं, 9 × 3 = 27 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। इसको भी काट देते हैं, 6 से फिर 30 जाएगा, 5 times चला जाएगा, तो यहाँ से पी बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। पी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रही है, एक बार ध्यान से फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन में कहाँ पर गलती की है हम लोगों ने। तो यहाँ पर सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर गलत ये कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये दर दी गई है, ये हम लोगों को वार्षिक, देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर क्वेश्चन में लिखा नहीं था, इसलिए हमने ऐसा किया। बट यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि जो दर है वो यहाँ पर मंथली नहीं है, ये वार्षिक है, लेकिन टाइम लोगों को मंथली दिया गया, तो उसको वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 6/2 6/12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सही कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 12 से ऐसे गुणा भी करा लेते, तो यहाँ पर लास्ट में जाके ये 12 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6000 हो जाएगा, ठीक है, 6000 रुपये हो जाएगा, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर 4th में दिया गया, तो आंसर डी बनेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में अच्छी तरीके से क्लियर नहीं था कि ये जो 9% की दर है वो वार्षिक है या मंथली, तो हमने मंथली सोचकर किया क्वेश्चन, बट आंसर हम लोगों को ये मालूम चला कि वार्षिक है। तो अगर जैसा कि अगर जिस प्रकार से अभी यहाँ पर हुआ है, ऐसा ही एग्जाम सेंटर में अगर होता है, तो फिर ऑप्शन से आप इस चीज़ को क्लियर जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं, जल्दी से आपके पास समय फिर से वही 20 सेकंड का है, आप कोशिश करिए जल्दी से और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बताइए कि आंसर क्या आएगा। चलिए टाइम इज ओवर, करते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है सिंपल सा 5x बराबर इतना दिया गया है। तो यहाँ पर 5x बराबर दिया गया, तो x बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे 2.5 × 2.5/5 ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। इससे इसको काट देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, और इसका जब गुणा करा देंगे तो 1.25 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 1.25, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, टाइम फिर से स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग पिछले अभी करके आए हैं, तो सेम वही क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप कोशिश करिए और जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
देखिए, इसके पहले अभी हम लोगों ने इसी तरीके का क्वेश्चन किया, हम आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए जल्दी से आप उस क्वेश्चन की तरफ जाइए, जैसे कि हम जल्दी से देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल अभी भी सॉल्व किया था, और ये क्वेश्चन को हम उसी तरह जगह पर आपको लेकर जा रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोगों ने देखिए बच्चों किया क्या था। तो देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, बिल्कुल वो सोल्यूशन आपके सामने है। एक्स की वैल्यू एक 2 आई थी और एक माइनस की 1 आई थी, तो चलिए इसी को वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों को मालूम चला कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई थी और माइनस 1 आई थी। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो लिखा हुआ है इसकी 2 और माइनस 1 आई थी, तो हम अगर इस जगह पर दो चीज़ें लेकर चल सकते हैं। अगर 2 लेकर चलेंगे, अगर मान लीजिए हम 2 लेकर चलेंगे तो 2 क्योंकि इसके बगल में माइनस 1 लगा है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 लेकर चलेंगे तो माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए दो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा और एक माइनस 2 आ रहा है। जो ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन में हम लोगों के पास 1 है तो आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आप ट्राई करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप ट्राई करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। 20 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है। चलिए इसका आंसर अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो आंसर निकल कर आएगा 1/x-1, क्यों? क्योंकि नीचे जो फॉर्मूला लगा हुआ है x³-1 का, क्योंकि ऊपर x² + x और +1 दिया, और नीचे हम लोग x³-1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो x-1 और ब्रैकेट में x² + x + 1 हो जाएगा। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/x-1, ठीक है, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, फिर से आपके पास टाइम है, जल्दी से आप आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालना है। पिछले कई स्क्वायर्स कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए बताते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन को करने के लिए जो यहां पर लिखा हुआ था कि जो 5 और प्लस यहां पर लिखा हुआ था 2√6 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो यहां पर अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो यहां पर हम लोगों को वर्गमूल को हम लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जब पावर स्क्वायर हो यहां पर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहां पर जो है स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों देखो यहां पर 2√6 लिखा है, तो कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहा है कि ये 5 को हम लोग रूट के अंतर्गत लेते हुए रूट 6 के बराबर एक कोई स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला बना पाए। अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, और प्लस को देखकर हम लोगों को दिमाग में आता है कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। अगर उन a और b का आपस में, क्योंकि 2ab भी बनेगा, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिनका गुणा करने पर रूट का 6 बनना चाहिए। तो बच्चों ऐसी वैल्यू जो है वो हमारे पास दो हैं, एक है √3 और एक है √2। आपको पता होगा एक है √3 और एक है √2, क्योंकि √3 √2 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 बन जाएगा। तो बस यहां से कंप्लीट हो गया है कि यहां पर जो ये 5 है इसके लिए हम लोग यहां पर √3 का स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी, मतलब यहाँ पर हम इसको बैलेंस करके चल सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब इस चीज़ को लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आपको मालूम चल चुका होगा क्या निकलेगा, √3 + √2। तो आंसर के रूप में हम लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22वां, जल्दी से आप क्वेश्चन को कोशिश कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा। विकर्ण की लंबाई दी गई है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का विकर्ण दिया गया है 5√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आंसर बता देते हैं, आंसर निकल कर इसका आएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे आएगा आपको याद रखना है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2, ठीक है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2, जिसको हम लोग 5√2 के बराबर कर देंगे, √2 √2 चला जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 2। अब वर्ग का परिमाप निकालना, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, 4 into a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हम लोगों को मालूम चल चुकी है, कितनी निकल कर आई है, 5 निकल कर आई है। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह पर 5 रख देते हैं, तो 5 × 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर तीसरा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब रीजनिंग यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर जर्नी का कोड दिया
दिया गया है और आपसे मेडिकल का कोड पूछा जा रहा है। एक बार आप देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और आप कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर जर्नी का कोड दिया गया है और मेडिकल का कोड पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम साइड में कहीं पर जर्नी लिख लेते हैं, तो जे ओ यू आर एन ई वाई, ठीक है, एन ई वाई, ओके। और हम लोगों को कोड दिया गया है किसका, जर्नी का कोड है टी एन आई एस, टी एन आई एस जेड एफ और ओ, ठीक है। अब पूछा जा रहा है किसका, हम लोगों को मेडिकल का बताना है। यहां लिख लेते हैं एम ई डी आई सी ए एल, मेडिकल, ठीक है। चलिए कोड दे देते हैं यहां पर 10 के बाद अगला कोड हो जाएगा 15, फिर 21, फिर 18, फिर 14, फिर 5, फिर 25, ओके। यहां पर दे देते हैं 20, 14, 9, 19, 26, 6 और यहां पर 15। देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वाला नहीं है, इस बार डायरेक्ट वाला नहीं, क्रॉस मार। जैसे यहां पर 10 से एक कम हुआ है 9 हुआ है, 15 से एक कम हुआ है 14 हुआ है, 21 से एक कम हुआ है तो 20 हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं 14 से एक बढ़ा है 15 हुआ है, 5 से एक बढ़ा है 6 हुआ है, 25 से एक बढ़ा है 26 हुआ, बीच वाला भी एक बार बढ़ा है। तो यहां पर करना क्या है कि क्रॉस में इनको बढ़ाना, जैसे कि अगर हम लोग 10 में, क्योंकि शुरुआत के 3 में क्रॉस में कम हुआ है तो एम का कोड 13 है और 13 में एक कम होगा तो यहां पर आ जाएगा 12, 12 पर एल मिलता है, ठीक है। यहां पर इसमें एक कम होगा तो 5 में से एक कम होगा तो 4 मतलब कि डी मिलेगा, और 4 में एक कम होगा तो सी मतलब यहां पर सी डी एल बनेगा। यहां पर बीच वाला बढ़ रहा था तो 9 से 1 बढ़ेगा तो यहां पर 10 मतलब जे हो जाएगा। यहां पर क्रॉस में बढ़ेगा तो सी से डी हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा और एल से एम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आंसर के रूप में अगर बात की जाए तो बनेगा सी, ठीक है, आंसर के रूप में बात की जाए तो बनेगा आंसर सी डी एल जे एम बी डी, सी डी एल जे एम बी डी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आंसर के रूप में हम लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में आपको बताना है विच वन इज ऑड, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो भिन्न है, अलग है। जल्दी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो अभाज्य है। देखिए आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, आंसर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर हैं सब प्राइम नंबर हैं, लेकिन 31 तो प्राइम नंबर था बट 35 जो है वो प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए इसका आंसर 35 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है सीरीज को कम्प्लीट करना है, और हमने आपको सीरीज जो रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस दी थी उसमें आपको सिखाया था कि जब भी किसी भी क्वेश्चन पेपर का पहला या सीरीज का पहला नंबर जीरो होता है तो वहाँ पर दिमाग में 3 सीरीजें आपको सोचनी है। कौन कौन सी सीरीजें सोचनी, चलिए वो बता देते हैं। पहली हो सकती है एन स्क्वायर माइनस वन, दूसरी हो सकती है एन क्यूब माइनस का वन, और तीसरी हो सकती है एन क्यूब माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 सीरीजें दिमाग में रखनी है। यहां पर क्या चल रही, चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर चल रही है ये पहला नंबर जो लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस का वन है, ये है ये एन स्क्वायर माइनस का टू है, ठीक है। यहां पर एन की जगह पर वन पुट करना है, फिर नेक्स्ट टाइम टू पुट करना है, फिर नेक्स्ट टाइम यहां पर एन स्क्वायर माइनस का थ्री मतलब कि थ्री पुट करना है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट टाइम आपको फोर पुट करना और माइनस का फोर कर देना, यहां पर फाइव पुट करना है और माइनस का फाइव कर देना, और यहां पर सिक्स का स्क्वायर माइनस का सिक्स कर देना, 36 माइनस छः करेंगे तो 30 हो जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो गलत है, इसमें कौन सा नंबर जो है वो गलत है। कभी कभी बच्चों देखिए क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो गलत है। देखिए बच्चों, इसका जो पहला ही जो पहला नंबर जो है वो हो सकता है गलत, आप कोशिश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको, यहाँ पर एक हमें मिस्टेक दिख रही है तो पहले मिस्टेक को क्लियर कर देते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कि जो पहला लेटर है वो जीरो है, इस चीज़ को हम आपको बता देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में,
तो इसका पहला नंबर जो है वो जीरो है, इस चीज़ को हमने सही करा दिया है। अब आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है। तो चलिए हमने फिर से देखो जीरो बन गया है, तो फिर से हम लोगों के माइंड में वही तीन सीरीजें जाएंगी। ये एन स्क्वायर माइनस वन सोच सकते हैं, तो यहाँ पर वन का स्क्वायर माइनस का वन कर सकते हैं, ये टू का स्क्वायर माइनस का वन कर सकते हैं, ये थ्री का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि पहले हम लोगों ने वन का स्क्वायर किया, फिर नेक्स्ट टाइम टू का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर थ्री के स्क्वायर से तो बन नहीं रहा, तो चलो यहाँ पर हम लोग फोर का स्क्वायर कर लेते हैं। तो फोर का स्क्वायर माइनस का, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा, तो यहाँ पर इस बार हम लोग माइनस का टू का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए बच्चा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चलिए इसको हम अलग से सॉल्व करके आपको समझा देते हैं। देखिए जो पहला वाला जीरो है वो वन का स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर है, तो जीरो हो गया। फिर जो तीन है वो दो का स्क्वायर माइनस का वन है, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद अगर आप और आगे बढ़कर देखते हैं तो यहाँ पर ये ट्वेल्व है, ये फोर का स्क्वायर, मतलब डबल हुआ यहाँ पर, फोर का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं दो बढ़ा, पहले एक बढ़ा फिर दो बढ़ा फिर यहाँ पर दो बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर का स्क्वायर माइनस का टू का स्क्वायर किया तो यहाँ पर ट्वेल्व हो गया, ठीक। फिर इसके बाद थ्री का स्क्वायर, सॉरी थ्री का नहीं, सिक्स का स्क्वायर, क्योंकि दो बढ़ रहा है, तो सिक्स का स्क्वायर माइनस का थ्री का स्क्वायर किया तो यहाँ पर सत्ताईस हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब की बार एट हो जाएगा, तो एट का स्क्वायर माइनस का फोर का स्क्वायर, तो ये अड़तालीस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 27 यहाँ पर गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन सोचिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज जो है वो एक दो तीन ऐसे आ रही है, एक दो तीन चार, यहाँ पर आपको जीरो करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट लेटर जीरो ना होकर वन है। ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, हम इसको अब सही कर देते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन कुछ ये है, एक कॉमा तीन कॉमा बारह कॉमा पच्चीस कॉमा 48, तो आंसर है इसका 25, 25 गलत है, इस जगह पर 27 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ब्लड रिलेशन से है। रंभा एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। देखिए एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रंभा कहती है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी का इकलौता पुत्र जो होता है वो पिता होता है, और पिता का पुत्र जो होता है वो भाई होता है। तो वो रंभा का संबंध उस लड़के के साथ क्या होगा, तो रंभा का संबंध उस लड़के के साथ जो होगा वो उसका भाई का होगा, तो आंसर बनेगा यहाँ पर बी। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखना है, मेरे दादाजी मतलब बाबा जिनको कहते हैं, उनके इकलौते पुत्र की बात की जाए तो दादाजी का इकलौता पुत्र होता है पिता, और पिता का पुत्र स्वयं का भाई होता है, तो वो उसके लिए क्या बनेगा, भाई बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्न चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आपको बताने हैं कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, करने की कोशिश अगर करते हैं बच्चों, ध्यान रखना है कि जब भी किसी स्क्वायर को या किसी भी चतुर्भुज को उसके डायगनल से कट किया जाए तो आप दिमाग लगा लीजिए कि उसमें आठ त्रिभुज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, आठ पाए जाते हैं इस कंडीशन में। लेकिन देखो बीच से दो और बन गए यहाँ पर, एक दो तीन चार, तो आठ प्लस चार कितने होंगे बच्चों, आप लोगों को मालूम चल चुका होगा कितने होंगे, बारह। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन में एक बार फिर से है, आप इसको की कोशिश कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए बच्चों आप समझ सक चुके होंगे इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन में सिंगल लाइन है, फिर यहाँ पर डबल लाइन है, मतलब एक लाइन ये और एक ये लाइन ये डबल, तो यहाँ पर अब ट्रिपल लाइन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फोर लाइन है, तो ट्रिपल लाइन किस में दी गई है, बी ऑप्शन में दी गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, रवि 12 मीटर उत्तर पूर्व तथा 5 मीटर दक्षिण पूर्व में चला, तो पहले किधर चला है, 12 मीटर उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व किधर होता है, इधर की तरफ होता है, तो कितना चला है 12 मीटर, 12 मीटर उत्तर पूर्व में गया और 5 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का बन रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये 5 मीटर है, ठीक है। तो अंतिम स्थान के बीच की दूरी, ये अंतिम स्थान और ये दूरी हम लोगों को बतानी है, तो ये 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, दोनों को जोड़ेंगे 169, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो अंडर रूट निकलेगा 169 का, 169 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 मीटर आएगा, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो भिन्न है, ठीक है, नई दिल्ली इलाहाबाद पुणे वाराणसी, इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए बच्चों नई दिल्ली इलाहाबाद पुणे वाराणसी,
ये इनमें से कौन सा भिन्न है? देखिए, इलाहाबाद, पुणे और वाराणसी जो हैं ये तो जिले हैं, ठीक है। इलाहाबाद यूपी का एक जिला है, पुणे जो है वो महाराष्ट्र में पाया जा होता है, और वाराणसी भी यूपी में है। न्यू दिल्ली जो है वो एक स्टेट है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो हर तरीके से ए जो है होगा वो बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न है। देखिए, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, आसमान इन दिशाओं के बीच में आ गया है, तो दिशाओं में आसमान नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका क्या है? गलत है, या फिर हमारा वो आंसर होगा। तो बच्चों, यहाँ से हम लोगों के शायद क्वेश्चंस रीजनिंग के कंप्लीट होते हैं, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जीएस के पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर कहता है, देश में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? देखिए, कई बार भारत में एक बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, और ये जो आपातकाल की घोषणा जो है वो 352 के तहत की जाती है, अनुच्छेद 352। लेकिन हम आपको सारे अनुच्छेदों के बारे में बता देते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। 156 जो होता है वो राज्यपाल की पदावधि के लिए होता है, राज्यपाल के जो पद की अवधि होती है उसके लिए अनुच्छेद 185 जो सॉरी 156 का यूज होता है। 85 जो लिखा हुआ है, संसद के सत्र के जो है विघटन जब होता है उस समय हो यूज होता है। 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में, वित्तीय आपात जब लगता है तब उस समय 360 का यूज होता है। तो 352 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आंसर के रूप में हम लोगों को देखना है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भांगड़ा किस राज्य का नृत्य शैली है? भांगड़ा आपको पता होगा पंजाब की नृत्य शैली है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो राजस्थान की नृत्य शैली जो है वो घूमर है, आपने गाना सुना होगा, ठीक है। और इसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की तमाशा है, तमाशा महाराष्ट्र की जो है नृत्य शैली है, याद रखना है आप लोगों को। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चरकुला है, चरकुला और विदेशिया, ये दो हैं, विदेशिया और चरकुला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 36 को लेते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा 14 नवंबर को मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उत्सव के रूप में ये 14 नवंबर जो मनाया जाता है। तो आंसर हमारा है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है, भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है, और इसकी मुद्रा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। अगर पूछा जाए रुपया कहाँ की है तो वो भारत की है, अगर पूछा जाए दिनार कहाँ की है तो वो अल्जीरिया की है, और डॉलर अमेरिका और कनाडा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है? अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जाम पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.4 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के आंसर को आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, O2 उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस धान की खेती से निकलती है? धान की खेती के समय कौन सी गैस निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मीथेन गैस निकलती है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, रक्त के कौन सा समूह सर्वदाता होता है, जो सभी को अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है? ए होता है, ए जो है वो सर्व रक्तदाता होता है, ठीक है। और ओ होता है रक्तदाता, और ये ओ जो है वो किसी को भी अपना रक्त, ओ निगेटिव जिसको बोलते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट है। तो ओ निगेटिव जो है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, और ओ पॉजिटिव जो होता है, ओ प्लस जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ये सभी के रक्त को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ओ निगेटिव सभी को दे सकता है, और ओ पॉजिटिव सभी के रक्त को कर सकता है। तो यहाँ पर सर्वदाता पूछा गया, तो सर्वदाता के रूप में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोगों का ए बनेगा। तो बच्चों, ये थे आज का मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि रागा से रिलेटेड था, एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम से संबंधित था। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे, और फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।